हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक आईटीआई की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों को बताएं कि सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपको जो है फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑल टेट। दोस्तों पूरी वीडियो बना के डाल दी गई है, कंप्लीट एकदम पढ़ा गया है, चैप्टर वाइज पढ़ा गया है। आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर सैनिक आईटीआई, देखिए खुलेगा होम वीडियो प्लेलिस्ट, यहाँ पे जाएंगे देखिए, है ना। वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, दिख रहे हैं, देखिए दोस्तों दिख रहे हैं। फिर देखिए फिटर थ्योरी है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, दिख रहे हैं। टोटल दोस्तों मिलेगी इसमें आपको। इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में पढ़ा रहे हैं आप लोग, कुछ बच्चे नाराज हैं कि सर सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ा रहे हैं। दोस्तों सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग की अब तक कोई निम्मी ने पीडीएफ नहीं दिया है, क्यों? सेकेंड ईयर में जो है इलेक्ट्रिकल अलग जाती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग मैकेनिकल अलग होती है, दिक्कत है। थोड़ा फर्स्ट ईयर में सबकी मेल जो होती है, तुम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे हैं, वो भी निम्मी नहीं दिया है अपने मन से, हम गाइड से किताब से जो दी है वो अरियंत की या ग्रायल की, तो उससे हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। अब कितना आता है, कितना क्वेश्चन फंसता है उसमें से है, वो तो परीक्षा के बाद उसे मालूम होगा। अब तक निम्मी ने इंजीनियरिंग ड्राइंग की कोई पीडीएफ जारी नहीं किया है, ये मेरा दावा 100% है। कोई यूट्यूब वाला बोलता है तो झूठ बोलता हो कि निम्मी ने पीडीएफ जारी किया, नहीं जारी किया है। क्यों? कि मेरा विद्यालय है, मेरा आईटीआई है, मैं इसलिए आपको सही बोलता हूँ। क्योंकि यूट्यूब के चक्कर में पढ़ेंगे दोस्तों तो अंडरबन, ए फेल हो गया, वो पास हो गया, यहाँ कर लो फोन, डिस्ट्रीम कर लो फोन, कुछ नहीं। अभी दोस्तों आप लोग का टाइम पढ़ने का है, पढ़ लीजिए, नहीं फेल पास करते रहेंगे, हो जाएंगे फेल, साथ साथ नौकरी पा जाएगा, आप घूमते रह जाएंगे। जो समस्या आपकी है अपने विद्यालय पर जाकर मिल लें, चाहे फीस की हो, चाहे बैग की हो, चाहे आपको रिजल्ट नहीं आया है, फीस नहीं जमा किया है आपने, आप लोग जाके फीस जमा कर लें। क्यों? कि सीबीटी एग्जाम फीस डेट बढ़ गई है। क्या हो गई है? फिर सुने, जो सीबीटी एग्जाम फीस डेट थी वो 20 जुलाई तक बढ़ गई है। जो लोग बच्चे फीस जमा नहीं किए हैं, जाके विद्यालय फीस जमा कर लें। अगर परीक्षा देनी है तो, नहीं देनी है तो मोबाइल लेके अपना दिमाग घूमते रहें, ठीक है, तो मर्जी उनकी है भैया। इसलिए मैं आपसे बाबा कहता हूँ कि हमारे चैनल पर टोटल वीडियो पड़ी है, और दोस्तों पढ़िए पूरा, और हम पढ़ा रहे हैं, टाइम टाइम न्यूज दे रहे हैं, नहीं कि एक ही न्यूज को बार बार डालना है, बार बार टाइम टेबल देना है। पता आप लोग को हो गया, एक बार देख लीजिए टाइम टेबल आ गया, एक परीक्षा है तो क्या मतलब बाबा डालने का, उसी में टाइम टेबल आ गया, ओरिजिनल आ गया, ये क्या मतलब है? कुछ नहीं दोस्तों। तो आप लोग पढ़िए, तो हम आप लोग को बात बढ़ाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर ऑल टेट पार्ट 12, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर, और लिंक कहाँ मिलेगा? अबाउट में जाके वहां से लिंक ले ले आप लोग, ठीक है, लिंक लेके पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। और बढ़िया बढ़िया वीडियो है, बच्चे हमारे पास हुए हैं, 94% लाए बच्चे हमारे, मैं दिखाऊंगा आपको। हमारे छात्र हैं जो, उन्होंने थ्योरी में 100 में 100 लाया है, और मैथ में 50-50 लाए हैं, दिखाऊंगा मैं आपको। चलते हैं, तो आज हमारा जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर ऑल्टेड पार्ट 12 पीडीएफ टेलीग्राम पर पक्का लेंगे, वादा करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186। सुपर मार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम है, बोल रहा है जो सुपर मार्केट है वो प्रबंधन का प्रोग्राम है। किस प्रबंधन का प्रोग्राम है, किसका है? ए ऑप्शन होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है। जो सुपरमार्केट प्रबंधन है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा, सुपरमार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम है, आंसर ए, सुपरमार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187। निम्न में कौन सा इफेक्ट हम टेक्स्ट को नहीं दे सकते हैं? किसको बोल रहा है? निम्न में से कौन सा इफेक्ट
हम टेस्ट को नहीं दे सकते हैं। कौन सा है वो? ए हिडन, बी स्ट्राइक आउट, सी सब्सक्राइब्ड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो दिया है हिडन, स्ट्राइक आउट, सब्सक्राइब, इसमें से हम कोई भी इफेक्ट हम टेस्ट को नहीं दे सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बोल रहा है कि इसको सेट कीजिए, है मतलब मिलाइए। जैसे ए नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर से लॉगिंग, बी वेब ब्राउजर, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी www प्रत्येक डॉक्यूमेंट का पता, ई www में सूचना के लिए भंडारित। दोस्तों तो मिलाया जाए, जैसे उसका आंसर क्या होगा? ई होगा, 5, 4, 3, 2, 1। मतलब मिलाएंगे तो ए का पांचवा होगा, बी का चौथा होगा, सी का तीसरा होगा, डी का दूसरा होगा, ई का पहला होगा। समझे ना? इसको मतलब मिलाना दोस्तों है। ये देखिए मिल गया ना, ए देखिए, ए देखिए, इसका आंसर ये हुआ। समझ गए दोस्तों? तो आंसर इसमें क्या होगा? ए होगा, 5, 4, 3, 2, 1। मतलब ए नेटवर्क कंप्यूटर से लॉगिंग टैलेंट होगा, बी वेब ब्राउजर क्या होगा? मोजेक होगा, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होगा? वेब ब्राउजर होगा, डी www प्रत्येक डॉक्यूमेंट का पता क्या होगा? URL होगा, ई क्या होगा? www सूचना के लिए भंडारित डॉक्यूमेंट क्या होगा? वेब होगा। तो आंसर क्या होगा? ए होगा, 5, 4, 3, 2, 1 आपको सामने कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम कहलाते हैं। क्या बोल रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सोर्स प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, इसमें से कोई नहीं। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उसको हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम कहलाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाते हैं। आंसर राइट ए होगा। आगे बढ़ते हैं। 190 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या बोल रहा है? ये जो दिया है फेसबुक, वर्कबुक, वर्कशीट, इसमें बोल रहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तब आप लोग पता होगा फेसबुक क्या है। जो फेसबुक है हम लोग की नेटवर्किंग साइट है। ध्यान देना, कहीं पूछता है कि नेटवर्किंग साइट क्या है तो फेसबुक। आंसर राइट ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, सीडी रोम एक है। मतलब सीडी रोम क्या है? ए चुंबकीय मेमोरी, बी समांतर मेमोरी की इकाई, डी विद्युत यांत्रिक मेमोरी इकाई, डी सभी। तो दोस्तों सीडी रोम विद्युत यांत्रिक मेमोरी की इकाई है। आंसर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, MICR का मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है? बैंक में, रेलवे में, परीक्षा कॉपी चेक करने में, सभी में। दोस्तों आप लोग बैंक में जाते हैं ना, बोलते हैं कि यार कोड भेजना नहीं होता, MICR नंबर होता है कि पैसे भेजने के लिए। आप लोग बैंक में नहीं मानते हैं कि बैंक का MICR नंबर क्या है, IFS कोड मांगता है, MICR नंबर मांगता है। पता आप लोगों का नहीं पता होगा, भाई लोग बैंक जाते होंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन है, पक्का आएगा ये, एक गारंटी मारी 5%। ठीक है, पक्का याद करेंगे आप लोग, ठीक है ना? तो MICR का कहाँ होता है उपयोग? बैंक में। आंसर राइट ए होगा। आगे बढ़ते हैं। 193 क्वेश्चन नंबर, OSI मॉडल में राउटिंग का कार्य कौन सी लेयर करती है? जो OSI होती है हमारी कंप्यूटर में, है ना, कंप्यूटर होती है ना, उसमें जो मॉडल में राउटिंग का कार्य कौन सी लेयर करती है? ए ट्रांसपोर्ट, बी नेटवर्क, डी सी डाटा लिंक, डी फिजिकल। दोस्तों जो OSI मॉडल राउटिंग कार्य नेटवर्क लेयर करती है, कौन करती है? नेटवर्क लेयर। राउटिंग कार्य नेटवर्क लेयर करती है। आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 194, सम्मिलित कीजिए, मतलब मिलाइए। क्या बोला है? सम्मिलित कीजिए, मिलाइए। जैसे ए है LT+I+F, तो क्या कहा उसका?
इसका होगा गणितीय कार्य, बी है पीजी डाउन, इसका क्या होगा पेज नीचे जाने हेतु, सी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, डी ऑटो करेक्ट इसका होगा स्वतः गलती सही करना, ई होगा पीजीएफ मतलब पेज में ऊपर जाने हेतु। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, देख रहे मिला दिया गया दोस्तों है, इसको आप लोग पक्का ये क्वेश्चन इस बार नया आ रहा है बैटरी स्किल में, ये दोस्तों क्वेश्चन पक्का आपको आएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 195, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या बोल रहा है गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो कैसा वाक्य है आप लोग, ये आदेशात्मक वाक्य है, क्या है ये आदेश दे रहा है गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब क्या है पानी मांग रहा है आपसे, क्या बोल रहा है पानी मांग रहा है, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर मतलब आदेश दे रहा है, तो आंसर बी सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96, किसी सीवी या रिज्यूम को कंटेंट क्या होंगे, बोला किसी सीवी या रिज्यूम का कंटेंट क्या होगा, बताइए आप लोग क्या होगा, किसी सीवी या रिज्यूम का कंटेंट क्या होगा, ए शीर्षक, बी शिक्षा, सी कार्य का अनुभव, डी सभी, तो सी बी या रिज्यूम कंटेंट सभी होंगे, शिक्षा होगा, अनुभव काम का होगा, शीर्षक होगा, तो आंसर डी होगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नंबर 197, सी इज टू ब्यूटीफुल टू बी एडमायर्ड कामा, यहाँ टू के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, सो का, मच का, मुस्ट का, मोर का, तो टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, सी सो ब्यूटीफुल टू बी एडमायर्ड, तो क्या होगा प्रयोग शब्द का सो का होगा, तो आंसर क्या होगा ए होगा सो। 98, यू आर राइटिंग ए लेटर का नकारात्मक वाक्य क्या है, क्या बोल रहा है यू आर राइटिंग ए लेटर का नकारात्मक क्या है, क्या आंसर होगा यू डू नॉट राइट ए लेटर, बी यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, सी यू वी आर नॉट राइटिंग ए लेटर, डी उपयुक्त कोई नहीं, दोस्तों इसका होगा यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, आंसर क्या होगा यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर। आगे बढ़ते हैं नंबर 199, राम सांग ए स्वीट सांग, क्या बोल रहा है राम सांग ए स्वीट सांग, इस वाक्य में एडवर्ब का प्रयोग करके सही वाक्य क्या होगा, क्या बोल रहा है इस वाक्य में हम लोग एडवर्ब का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, ए राम सिंग ए सांग सुटली, वी राम सांग ए सांग सुटली, सी राम सुटली सिंग ऑफ सांग, उपयुक्त में कोई नहीं, दोस्तों जो इसका सही वाक्य होगा राम सांग ए सांग सुटली, तो आंसर क्या होगा बी होगा राम सांग ए सांग सुटली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 200, दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, मैं आपसे बाबा कहता हूँ पढ़िए, आप लोग पढ़ नहीं रहे क्योंकि हमारे चैनल पर आपको टोटल वीडियो पढ़ा दिया गया है, टोटल जो बचा हुआ हम पढ़ा रहे हैं आपको, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी चल रहा है सिलेबस, आप लोग पढ़ते रहिए ना कि भागते रहिए कि फेल हो गया पास हो गया, यहाँ बात कर लो वहाँ बात कर लो, कुछ नहीं, आप टाइम कब लगेगा दोस्तों है आप लोग जो पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो नैया पार नहीं फिर जाएंगे, ठीक दोस्तों, वो हमारे वीडियो बहुत कम टाइम में क्वेश्चन से बनाया गया है सिर्फ पास होने के लिए, पास जाएंगे इसके बाद की प्रक्रिया बढ़ेगी, पास होने तो आगे जाएंगे तैयारी करने के लिए, पहले लगे तैयारी करने किताब से हो जाएंगे फेल, क्या मतलब है भाई, पहले आप दौड़ पास करिए ना, अगर भर्ती होना है आपको फौज में अग्निवीर में तो पहले दौड़ पास कीजिए, आप रिटर्न बाद में तैयारी कीजिए, वही कहानी आईटीआई में है, पहले आप लोग पास होइए आईटीआई, इसके बाद तैयारी के लिए किताब पढ़िए बुक पढ़िए है ना कोचिंग करिए, लेकिन पढ़िए आप लोग पास होइए, तो हमारे चैनल पर एकदम पास होने की गारंटी 100%, अगर पढ़ लेंगे दोस्तों जितना पढ़ाया गया है एकदम बढ़िया से किताब निम्मी से बताया गया है बस निम्मी, नहीं तो पछताएंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, यू हैव राइट ए लेटर,
ये क्या प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा, क्या बोल रहा है, यू हैव राइट लेटर का प्रश्नवाचक क्या क्या होगा, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, हैव यू रिटर्न ए लेटर, डिड यू राइट ए लेटर, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हैव यू रिटर्न ए लेटर, मतलब इसका प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा, हैव यू रिटर्न ए लेटर। दोस्तों आज का हमारा जो है पाई यही जो पार्ट वीडियो खत्म होता है, आप लोगों को रिक्वेस्ट है आप लोग सब सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और दोस्तों पीडीएफ जो पढ़ा हमारे टेलीग्राम पर, आपको उसमें मॉडल पेपर पढ़े हैं, जो आपका जो है इम्प्लीमेंटेशन का पूरा पार्ट पढ़ा है, और सेकेंडरी ईयर फर्स्ट ईयर जितने आपके उसमें मॉडल पेपर पढ़े हैं जो पूछे गए थे कंप्यूटर वाले एग्जाम में अगले साल, सब पढ़ा उसमें, वहाँ जाके उसको ले लें, उसमें से डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों आप लोग जुड़िए, पहले आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे नहीं नुकसान आपका है, मैं कोई पैसे तो नहीं अपने नाम से कि पैसे दो हमको, पैसे लेके पढ़ो, भाई फ्री में पढ़ना है, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो लोग कहेंगे पढ़ने में, आप लोग पढ़िए आप लोग। तो आज के इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।